नमस्कार साथियों, इस सत्र में मैं आपके साथ कक्षा संवाद के भाषिक आयाम विषय पर चर्चा करने जा रहा हूँ। कक्षा में अध्यापन के दौरान हम शिक्षक जब विद्यार्थियों के साथ बातचीत करते हैं तो वह बातचीत कई अर्थों में हमारे लिए उपयोगी होती है। कक्षा का यह संवाद हमारे लिए विद्यार्थियों की भाषा में सुधार और भाषिक दक्षता के विकास का अवसर देता है। शिक्षण चाहे वह गणित का हो, विज्ञान का हो, भाषा का हो, हमारे लिए एक ऐसा अवसर है जहां हम विद्यार्थियों की भाषा में सुधार का कार्य कर सकते हैं। यह हमें एक ऐसा मंच प्रदान करता है जहां अध्यापक अपनी भाषा को विद्यार्थियों के स्तर के अनुकूल परिष्कृत करता है। वह अपनी भाषा के द्वारा विद्यार्थियों को विषय संप्रेषित करना चाहता है, न कि उनके सम्मुख अपनी भाषा कुशलता का प्रदर्शन करना चाहता है। ऐसे ही हम अपनी कक्षा में भाषा की मदद से विद्यार्थियों को अधिगम में सहयोग प्रदान करते हैं। आइए हम कक्षा संवाद के इन तीन पक्षों, सुधार करना, विद्यार्थियों के अनुकूल भाषा को परिष्कृत करना और भाषा द्वारा उन्हें सीखने में सहयोग प्रदान करने पर विस्तृत चर्चा करते हैं। पहला पक्ष है उनकी भाषा में सुधार करना। इसका तात्पर्य है कि हम विद्यार्थियों को फीडबैक और त्रुटि निवारण का अवसर उपलब्ध कराते हैं। यह अवसर शिक्षण उद्देश्यों के अनुरूप होता है। यह प्रक्रिया कक्षा शिक्षण के साथ साथ चलती रहती है और दीर्घकालिक होती है। इसके आधार पर विद्यार्थियों की भाषिक कुशलता, विषय को अव्यक्त करने की कुशलता और संवाद शैली का उनमें विकास होता है। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि ये फीडबैक देना या त्रुटि निवारण की प्रक्रिया हमारे कक्षा संवाद का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो दीर्घकाल में विद्यार्थियों में भाषा कुशलता का विकास करती है, जो उन्हें विषय को सीखने में, विषय को अव्यक्त करने में और संप्रत्ययकृत करने में सहयोगी होती है। आइए हम विचार करते हैं कि हम भाषा में सुधार के लिए किन युक्तियों का प्रयोग करते हैं। हम देखते हैं कि इसकी दो युक्तियां हैं। पहली युक्ति है प्रत्यक्ष हस्तक्षेप द्वारा सुधार, जहां शिक्षक सीधे सीधे विद्यार्थियों को उनकी गलतियों के बारे में बता सकता है। जैसे विद्यार्थी कहता है अकबर बाबर का पुत्र था, शिक्षक कहता है नहीं, अकबर हुमायूं का पुत्र था। आप देख रहे हैं कि विद्यार्थी को शिक्षक ने सीधे फीडबैक दिया और उसे उसकी गलती का एहसास कराया। ऐसे ही विद्यार्थी कहता है कि मैंने गृह कार्य को पूरा कर लिया, शिक्षक क्या कहता है, गृह कार्य नहीं गृह कार्य होता है। यहाँ भी आप देख रहे हैं कि शिक्षक ने बिना विलंब किए विद्यार्थी को फीडबैक दिया और उसे अपनी त्रुटि सुधारने का मौका दिया। दूसरी विधि होती है अप्रत्यक्ष सुधार। इसमें अध्यापक विद्यार्थियों को संकेत देता है, इन संकेतों द्वारा विद्यार्थी स्वयं समर्थ होता है कि वो अपनी त्रुटि सुधार कर ले। इसको भी एक उदाहरण के द्वारा मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। विद्यार्थी कहता है बच्चे खेलते हैं, शिक्षक कहता है जब कर्ता बहुवचन होता है तो हम हैं का प्रयोग करते हैं। अब वह बच्चे से पूछता है कि बच्चे एक वचन है या बहुवचन, विद्यार्थी कहता है बहुवचन। तो शिक्षक उससे पुनः पूछता है कि तो हम वाक्य में क्या लिखेंगे, विद्यार्थी कहता है बच्चे खेलते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने सीधे सीधे प्रतिपुष्टि या त्रुटि निवारण करके विद्यार्थियों को संकेत दिया और स्वयं समर्थ मनाया कि वह अपनी त्रुटि को दूर कर सके। इन दोनों उदाहरणों में आपने एक तथ्य का और अवलोकन किया होगा, वह ये है कि हम भाषा के प्रयोग के आधार पर फीडबैक देते हैं, जहाँ पर व्याकरण और उच्चारण की शुद्धता पर हमारा ध्यान होता है और इसके साथ साथ हम विषय वस्तु के प्रयोग पर भी आधारित फीडबैक देते हैं, जहां हमारा लक्ष्य होता है कि विद्यार्थी जो कह रहा है, जो विषय से संबंधित बात है, उसकी महत्ता, विषय अनुकूलता और प्रासंगिकता बनी रहे। अर्थात सुधार करने, फीडबैक देने और प्रतिपुष्टि देने का कार्य जो कक्षा की बातचीत में अध्यापक द्वारा संपन्न किया जाता है, वह भाषा और विषय दोनों के बीच संतुलन को बना के चलता है, जिसका अल्टीमेट उद्देश्य विद्यार्थी को एम्पावर करना होता है कि वह अपनी बात को व्यवस्थित तरीके से कह सके। इसी तरह कक्षा संवाद का दूसरा हिस्सा होता है विद्यार्थियों के लिए बातचीत को परिष्कृत करना। कौन अपनी बातचीत को परिष्कृत करता है, तो शिक्षक अपनी बातचीत को परिष्कृत करता है। क्यों करता है, क्योंकि शिक्षक का विषय ज्ञान, उसकी भाषा संबंधी दक्षताएं विद्यार्थियों की तुलना में परिष्कृत होती हैं। यदि हम विद्यार्थियों के सामने ऐसी भाषा का प्रयोग करेंगे जो उन तक उस भाव को संप्रेषित ना कर सके, उनको कक्षा से ना जोड़ पाए, तो हमारे लिए कक्षा का माहौल ऐसा हो जाएगा जहां ज्ञान का निर्माण नहीं हो रहा है, बल्कि सिर्फ ज्ञान का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण हो रहा है। ऐसी स्थिति में
क्या हमारी बात संप्रेषणीय है या नहीं, यह जानने के लिए और संप्रेषण को बोधगम्य बनाने के लिए हम कुछ युक्तियों का प्रयोग करते हैं। वे युक्तियां क्या हैं? उनमें पहली युक्ति है, हम बोध की जांच करते हैं। शिक्षक अक्सर कक्षा में सवाल पूछते हैं, क्या आप लोग समझ गए? ऐसे सवालों के माध्यम से हम विद्यार्थियों के बोध की जांच करते हैं। शिक्षक कई बार स्पष्टीकरण भी मांगते हैं, तो आप क्या कहना चाहते हैं? इस तरीके के वाक्यों के द्वारा हम जानना चाहते हैं कि विद्यार्थी वास्तव में कहां समझ रहा है, कहां नहीं समझ रहा है, या उसका मंतव्य क्या है। शिक्षक कई बार पुनरावृत्ति का भी कार्य करते हैं, वे अपनी बातों को खुद दोहराते हैं या विद्यार्थियों से कहते हैं कि वे अपनी बातों को दोहराएं। इस प्रकार कक्षा में विचारों का गैप नहीं होता है, विचार पूरी तरीके से प्रवाह में बने रहते हैं, विचारों का अंतराल नहीं पैदा होता है। हम और किन कार्यों को करते हैं? ऐसे ही हम पुनर्कथन करते हैं, विद्यार्थियों की कही बातों को पैराफ्रेज करते हैं। इसके अलावा क्या करते हैं? विद्यार्थियों की बात में यदि कोई अधूरापन है, कोई अपूर्णता है, तो उसे भी हम पूर्ण करने का कार्य करते हैं। हम एक कार्य और करते हैं, यदि विद्यार्थी ने किसी बात को कहा है और हमें लग रहा है कि यदि उससे किसी पूर्व ज्ञान को जोड़ा जाए और वह अधिक बोधगम्य हो जाएगी, तो हम विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान का भी वहां पर उल्लेख करने का कार्य करते हैं। हम शिक्षक अपनी बातों को विद्यार्थियों के स्तर अनुकूल बनाने के लिए किस प्रकार से परिष्कृत कर सकते हैं, आइए हम इस पर भी थोड़ा विचार करते हैं। एक तरीका तो यह है कि हम सरल और प्रवाहपूर्ण भाषा का प्रयोग करें, अति मुहावरेदार और लाक्षणिक प्रयोग से बचें। हमें व्याकरण और उच्चारण की शुद्धता पर भी ध्यान देना चाहिए। ऐसे ही हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे वाक्य छोटे और बोधगम्य हो। अपनी बात की संप्रेषणीयता को बढ़ाने के लिए हमें आंगिक और वाचिक युक्तियों का भी यथोचित प्रयोग करना चाहिए। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हम किसी शब्द, मुहावरे या वाक्यांश की पुनरावृत्ति अधिक न करें। कई बार हम देखते हैं कि शिक्षक समझ गए कि नहीं, तुम्हें आया या नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ, इस तरीके की बातों को बार बार दोहराते हैं। इससे कक्षा में प्रवाह बाधित होता है। हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए हमारे द्वारा संवेदनशीलता का भी ध्यान रखा जाए। हम किसी ऐसे शब्द, वाक्यांश, मुहावरे, लोकोक्ति का न प्रयोग करें जो जाति, क्षेत्र, जेंडर के आधार पर पूर्वाग्रह युक्त हो। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारी कही गई बातों में निर्णयात्मकता न हो, वैल्यू जजमेंट अधिक नहीं होना चाहिए, इससे भी कक्षा का प्रवाह बाधित होता है। इस स्थिति में विद्यार्थी को लगता है उसका बोला जाना अपेक्षित नहीं था और अगली बार वह बोलने से बचने का प्रयास करता है। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारी कक्षा में सूचनाओं की भरमार न हो जाए, यह अवधान को प्रभावित करता है, विद्यार्थी सुनना नहीं चाहते हैं। हमारी बातचीत इस प्रकार से हो कि अधिक से अधिक विद्यार्थी भागीदारी करें और उनकी भागीदारी उन्हें अभिप्रेरित करे। कई बार हम शिक्षकों का हाव भाव भी कक्षा के संवाद में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस कारण हमें ध्यान रखना चाहिए कि कक्षा में हमारा हाव भाव ऐसा न हो जो हमारी अनिच्छा को व्यक्त करे, विद्यार्थी को हमारे हाव भाव से लग जाए कि हम उसको नहीं सुनना चाह रहे हैं। हमें विद्यार्थियों को सुनने का प्रयास करना चाहिए और कुल मिला के हमें अध्यापक द्वारा कक्षा में भाषा के प्रयोग का एक मॉडल दिया जाना चाहिए जिसे विद्यार्थी अपना सके, जिससे नए शब्दों को, संप्रेषण की शैली को वे सीख सके। भाषा प्रयोग से संबंधित तीसरा पक्ष है विद्यार्थियों को भाषा द्वारा सीखने का अवसर उपलब्ध कराना, जिसे हम स्कैफोल्डिंग कहते हैं। इसका तात्पर्य क्या है? विद्यार्थियों को उसकी संभाव्य क्षमता तक पहुंचने में मदद करना। इसमें अध्यापक की भाषिक कुशलता और अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को भाषा के माध्यम से दी जाने वाली सहायता दोनों महत्वपूर्ण होती है। इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं? इसके अंतर्गत हम यह प्रयास करते हैं कि विद्यार्थी अपने विचारों को व्यवस्थित कर सके। वे केवल विचारों को व्यवस्थित ना कर सके बल्कि उसे संप्रेषित भी कर सके और यह विचारों का व्यवस्थापन, संप्रेषण उन्हें एक कॉग्निटिव असिस्टेंट दे जिसके माध्यम से वह विषय को सीख सके। इसके लिए हम जिन बातों का मैंने उल्लेख किया उसी के अनुरूप विद्यार्थियों की बातों को व्यवस्थित करने का एक प्रशिक्षण देते हैं। हम स्वयं उन बातों को व्यवस्थित करके विद्यार्थियों के सामने अव्यक्त करते हैं, तकनीकी शब्दावलियों, वाक्यांशों का प्रयोग करते हैं जिससे विद्यार्थियों को संकेत मिलता है कि वे कैसे अपनी बातों को व्यवस्थित कर सकते हैं। ऐसे ही हम उनके उच्चारण को या केंद्रीय विचारों को रेखांकित करना भी सिखाते हैं। हम उन्हें कही गई बात में मुख्य बात की पुनरावृत्ति करके बताते हैं जिससे उन्हें पता चलता है कि कैसे कही गई बात को एक स्वरूप, एक व्यवस्था प्रदान की जाए। हम उनकी विचारों का विस्तार करते हैं एक मोड़ तक, जहां तक वो अपने अनुभव को ले आकर छोड़ते हैं, उसमें विषय ज्ञान का पुट देते हुए उसे सबके लिए उपलब्ध कराने का
कार्य करते हैं। यह तीनों ही विधियां व्यवस्थित करना, स्वरूप देना और विस्तार देना विद्यार्थियों को विषय सीखने का माध्यम बनती हैं। वे अपने अनुभवों को जिन शब्दों जिन वाक्यांशों में व्यक्त करते हैं, रोजमर्रा की भाषा में व्यक्त करते हैं, उसे हम अध्यापक व्यवस्थित करते हैं, एक सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर देते हैं, उन्हें एक एक्सटेंशन देते हैं कि किस प्रकार से हम अपनी बातों को व्यवस्थित कह सकें और उसमें उन सब प्रत्ययों उन वैज्ञानिक अवधारणाओं का प्रयोग कर सकें जो हमारे अधिगम की अपेक्षा है। यह कार्य भी भाषा अधिगम भाषा संवाद का महत्वपूर्ण पक्ष है जिसका हम अध्यापकों को ध्यान रखना चाहिए। हमें यह प्रयास करना चाहिए कि इस तरह की परिस्थिति में विद्यार्थियों द्वारा कही गई बात एक वाक्य या वाक्यांश के साथ समाप्त ना हो बल्कि वह संवाद को जन्म दे जहां लगातार बातचीत होती रहे। तभी विद्यार्थियों के अनुभव निकल के सामने आएंगे, तभी हम उन्हें फीडबैक दे सकते हैं, तभी हम उनके से प्रीवियस नॉलेज से जोड़ सकते हैं, तभी हम उनके से एवरीडे नॉलेज से जोड़ सकते हैं। हमें यह प्रयास नहीं करना चाहिए कि इतने जल्दी संवाद समाप्त हो और हम ज्ञान उड़ेल दें। हमें प्रत्यक्षतः ज्ञान का हस्तक्षेप करने से बचना चाहिए और विद्यार्थियों द्वारा कही गई बातों को बातचीत को संवाद को आधार बना के व्यवस्थित करने स्वरूप देने और विस्तार देने का कार्य करना चाहिए। ऐसे ही हमें क्या करना चाहिए, जो हमारी कक्षागत प्रक्रिया है वह विद्यार्थियों के अनुभव समझ और भाषा का संवर्धन करे। अर्थात हमें केवल अपनी समझ नहीं व्यक्त करनी है कि हमने अपनी समझ अपना ज्ञान अपनी भाषा संबंधी दक्षताओं अपने कठिन शब्दों के प्रयोग के ज्ञान को वहां प्रदर्शित कर दिया, बल्कि हमें यह प्रयास करना है कि हमारे द्वारा ऐसी युक्तियां अपनाई जाएं जो विद्यार्थियों की भाषा को परिमार्जित करें, जो विद्यार्थियों के लिए बोधगम में हो, जो विद्यार्थियों को सीखने में सहायता प्रदान करे और उन्हें कक्षा में आगे आने का मौका दे। हमारा लक्ष्य यह है कि हम विषय को संदर्भानुकूल बनाएं। संदर्भानुकूल बनाने का तात्पर्य क्या है, हम विद्यार्थियों की भागीदारी को बढ़ाते हुए उनके उदाहरणों को लेते हुए उन तक अपनी बात को पहुँचाते हुए उनकी समझ का की जांच करते हुए इस प्रकार का माहौल बनाएं जहां पर विषय और संदर्भ मिलकर ज्ञान के सह निर्माण का अवसर दें। न कि ऐसा हो कि हम विषय के कठिन तकनीकी शब्दावलियों का प्रयोग करते हुए एकालाप करते रहें और लगातार अपनी बात रखते रहें, बल्कि हमें विद्यार्थी की भाषा और विषयगत त्रुटियों का निवारण करते रहना है। विद्यार्थियों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए अपने संप्रेषण को परिमार्जित परिष्कृत करते रहना है और उन्हें भाषा के माध्यम से ऐसी संज्ञानात्मक सहायता प्रदान करना है जिससे वे ज्ञान का निर्माण कर सकें। हमारे कक्षा के भाषिक संवाद के यह तीन प्रमुख आयाम हैं। पहला, त्रुटियों को दूर करना। दूसरा, भाषा को विद्यार्थियों के अनुकूल सरल बनाना परिष्कृत करना। तीसरा, विद्यार्थियों को संज्ञानात्मक सहायता प्रदान करना। और इस प्रकार से कक्षा का संवाद विद्यार्थियों के लिए विषय ज्ञान को संदर्भानुकूल बनाने का कार्य करता है। मुझे विश्वास है कि यह व्याख्यान आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होगा। धन्यवाद।